नमस्कार, मैं हूं मरहबा अख्तर। डीडी टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पुराने लखनऊ में घने कोहरे के बीच सीएए और एनआरसी के खिलाफ हुसैनाबाद के घंटाघर पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। कड़ाके की ठंड व घने कोहरे में महिलाएं व बच्चे घंटाघर पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। महिलाओं व बच्चों द्वारा मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन जारी। काफी तादाद में महिलाएं व बच्चे कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। ठाकुरगंज के हुसैनाबाद स्थित घंटाघर पर महिलाओं व बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि लाइट बंद कर देने से प्रदर्शन नहीं रुकेगा। हुसैनाबाद के घंटाघर के सामने जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं यहां पर एनआरसी और सीए के विरोध में यहां 3 बजे से लगातार यहां पर चल रहा है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार का कोई यहां पर आश्वासन नहीं मिला है। इनको ये और इनसे हटाइए और नया कानून बनाइए। कैमरामैन भानु प्रताप सिंह के साथ आशीष चौबे, डीडी टुडे न्यूज़, लखनऊ। शाहीन बाग की तरह कल लखनऊ में भी घंटाघर के सामने बदकिरदार औरतें जो पैसा लेकर धरना प्रदर्शन और दूसरे काम भी किया करती हैं, 30-40 की तादाद में इकट्ठा होकर सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठकर लखनऊ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, ये सब वही मौलाना कल्बे जवाद साहब की औरतें हैं जिन्होंने मौलाना कल्बे जवाद साहब के कहने पर हमेशा लखनऊ का माहौल खराब किया है और जगह जगह धरने दिए हैं और उसका वो पैसा उनसे लेती हैं। दुनिया जानती है कि जो लखनऊ में औरतें बैठी हैं इनका किरदार क्या है। अब हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा चल रहा है सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर। जो विपक्षी पार्टीज हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो कांग्रेस है, ये सब एक घेरने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमतों को और जगह जगह औरतों के जरिए धरने और प्रदर्शन करा रहे हैं। और औरतें पिकनिक मनाने की तरह इन धरने प्रदर्शनों का इंजॉय कर रही हैं। पुलिस प्रशासन को परेशान किया जा रहा है, हुकूमतों को परेशान किया जा रहा है, सीओ एनआरसी का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जबकि सीओ एनआरसी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जितने भी कट्टरपंथी मुल्ला हैं सब खुलकर सीओ एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। मौलाना कल्बे जवाद जो भाजपा की सरकार के हिमायती हैं और कई मामलों में उन्होंने भाजपा सरकार की हिमायत भी की है, लेकिन सीए एनआरसी को लेकर सामने नहीं आ रहे हैं और जब भी उन्होंने बयान दिया है उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ ही बयान दिया है। तो ये कल साजिश की गई है मौलाना कल्बे जवाद की तरफ से लखनऊ में अपनी औरतों को बिठाल कर सीए एनआरसी का विरोध कराया जा रहा है। पैसा लेकर वो औरतें बैठी हुई हैं, वो ये चाहते हैं कि हुकूमत उत्तर प्रदेश की योगी जी उनसे कहें, कल्बे जवाद साहब से, कि साहब आप ये धरने को खत्म कराइए, तब वो अपनी औरतों को उस धरने से समझा बुझाकर हटा देंगे और हुकूमत में उनका रुतबा बनेगा। हुकूमत ये समझेगी कि मौलाना कल्बे जवाद ने उनके कहने पर धरना खत्म करा दिया। ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर काम करने से अब देश का भला नहीं होने वाला। सीए मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वाजे तौर पर मुस्लिम मुल्लाओं को इस बात को सामने आकर कहना चाहिए। एनआरसी से जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उनका कोई नुकसान नहीं है, ये कट्टरपंथी मुल्लाओं को सामने आकर कहना चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत अगर कोई अच्छी पॉलिसी ला रही है आपको उसका स्वागत करना चाहिए। जगह जगह उग्र प्रदर्शन, जगह जगह विरोध के धरने प्रदर्शन, यह हिंदुस्तान को एक तरह से साजिशन तोड़ने की कोशिश की जा रही है।